हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, कभी कभी भाई इन ट्रोलर्स पे जो शनास को दिन रात कोसते रहते हैं, उन सभी पे कभी कोई दया भी आती है। कुछ तो और कर लो, कितना मानसिक तनाव ले रहे हो, कितना डिप्रेशन में जा रहे हो। मतलब हिपोक्रेसी की हद होती है, दोगलेपन की हद होती है, डिप्लोमेसी की हद होती है, और तो और बहुत सारी हदें होती हैं। शनास ये कर दे तो आफत, शनास वो कर दे तो आफत, अब इनके अकॉर्डिंग तो मानो शनास सांस भी ले ले तो भी आफत। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला, सभी को पता है 2 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि थी, जिस पर बहुत से लोगों ने अपने रिएक्शन दिए, बहुत से लोगों ने खुलासे किए, बहुत से लोगों ने वो बातें बताई जब सिद्धार्थ जिंदा थे तब नहीं बताया। अब ऐसे में बहुत से लोगों को लगा कि हाँ, शनास कुछ 2 तारीख को करेगी और हमें फुटेज मिलेगी और हम भड़केंगे, हम खूब सारी निगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शनास ने किसी भी तरीके का ना ही कोई कमेंट किया, ना कोई रिप्लाई, ना किसी को कुछ भी, उन्होंने ट्वीट वगैरह स्टोरी कुछ भी नहीं किया। अब तो कुछ मिला नहीं, कंटेंट मिला नहीं, ना तो कोई मीडिया में न्यूज़ आ पाई। लेकिन अभी भी लोगों को सुकून नहीं है। अब क्या बनाना है उनको कहानी कि शहनाज तो सिद्धार्थ की फैमिली ही नहीं है, तभी तो उसने याद तक नहीं किया। भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में ऊपर से नीचे तक गंद भरी है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। बहरहाल जिन लोगों की सोच, जो भी कमेंट कर रहे हैं कि शहनाज ने आखिर क्यों नहीं ट्वीट किया, रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कुछ शहनाज ने इसलिए नहीं किया। अब आप सोचिए, आदित्य अग्रवाल जो सिद्धार्थ के भाई समान है, जो अभी भी उनकी फैमिली के साथ सिद्धार्थ की कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, हमेशा खड़े रहते हैं, उन्होंने कोई स्टोरी पोस्ट कुछ नहीं किया सिद्धार्थ के नाम, तो क्या वो फैमिली नहीं? सिद्धार्थ की बहनें जिनके भी अकाउंट हैं, वो अगर अभी कुछ नहीं लगा रहे कर रहे, तो वो भी उनकी फैमिली नहीं? जी हाँ, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब शनाज भाई फैमिली नहीं रही, तो शनाज ने ट्वीट नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें सुकून को उस दिन शांति से रहना था, ना कि किसी को दिखावा करने की ज़रूरत है। भगवान न करे किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन अगर आपके किसी के घर में ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? स्टोरीज लगाते हो, वीडियोस लगाते हो, फोटोज लगाते हो, ट्वीट करते हो, कमेंट करते हो इधर उधर? नहीं ना, आप चाहते हो 2 पल सुकून से बैठना उस दिन, क्योंकि सभी की आँख भर आती है, हर किसी की भर आती है। तो जो भी ट्रोलर्स अभी भी बेवालतू की गंध मचा रहे हैं किसी सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स के नीचे जाकर, कह रहे शनास को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कोई आज तक ट्वीट नहीं किया, ये नहीं किया, अगर वो करती तो अभी तुम क्या करते? तब भी उसको कोसते? तभी कोसते?